क्लास स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा वही आपका सेम यूनिट पकड़ेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसमें आज हम करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये डेफिनेशन है, ये प्रोसेस है कि व्हेन एवर इट इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इनटू इट्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स by passing the electric current, that is called electrolysis. I mean to say that वो तरीका जिस तरीके से by which a substance जिसके द्वारा एक पदार्थ जो होता है just like electrolyte is decomposed टूट जाए into its basic constituents, अपने basic constituents में जब हम किसी electrolyte में से electric current को pass करेंगे After passing the electric current through the electrolyte, तो वो electrolyte होगा, वो टूट जाएगा into its constituents, वो process है, that process is called electrolysis. अब आप पूछना चाहेंगे कि सर electrolyte क्या है? Electrolyte क्या होता है? वो solution which conduct electricity, वो solution जिसमें से electricity pass हो जाए, that solution is called electrolyte. और वो process जिस process के द्वारा हम बिजली को पास करते हैं, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम बिजली को इलेक्ट्रोलाइट में से पास करें और वो इलेक्ट्रोलाइट जो है अपने बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। देन नेक्स्ट वन एलईडी। एलईडी बेटा तो घर में भी होती है देखने वाली, लेकिन वो नहीं है, ये ले है लाइट अमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड चमकता है, ग्लो करता है व्हेन द करंट इज वेरी स्मॉल। जब करंट बड़ी कम होती है तब ये लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है ये ग्लो करता है। ये बड़ा किसका होता है, इट कंसिस्ट ए बल्ब विथ टू लेग्स, बल्ब होता है दो इसकी लेग होती है, तो लेग आपने ये नहीं बोला कि टांगे होती है, हमें दो पिन होते हैं जैसे वो प्लग की होती है, हम लीड बोलते हैं। एक पिन जो होती है इसकी लॉन्गर होती है और दूसरी पिन जो होती है इसकी क्या होती है, शॉर्टर होती है। और ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग बेटा, एलईडी में जो लॉन्गर पिन जो होती है वो कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और जो स्मॉलर पिन जो होती है वो कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। दिस इज कॉल्ड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। देन आपने बड़ी बार पढ़ा होगा सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट वो चीज जिसमें से करंट पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। पर सर्किट की दो टाइप्स होती हैं, एक ओपन सर्किट होता है एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट क्या होता है कि व्हेन द कीज ओपन, कीज होती है ये ज्यादातर स्विच का काम करती है, व्हेन कीज ओपन जब की ओपन होगी तब वहां से किसी भी करंट किसी की करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी, देन द सर्किट इज सेड टू बी ओपन। अगर की ओपन है करंट फ्लो नहीं हो रही है देन बल्ब कनेक्टेड टू द सर्किट, तब जो बल्ब सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ होता है वो ग्लो नहीं करता, तो हम कहेंगे कि सर्किट जो है वो ओपन है। बट व्हेन द सर्किट इज ओपन, सॉरी बट व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज होता है तो प्लग जो होता है इज इंट्रोड्यूस इन टू द की। प्लग को हम किसके साथ लगाते हैं, की के साथ। जब प्लग को हम की के साथ लगाएंगे देन ऑटोमेटिकली द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, करंट जो होगी वो सर्किट में से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब करंट सर्किट में से पास होगी तो बल्ब जो होगा जो करंट हुआ होगा सर्किट के साथ वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, देन द सर्किट इज सेड टू बी द क्लोज सर्किट। आई मीन मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जब स्विच को ऑन किया आपके घरों में सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट है, स्विच ऑन करते आप बल्ब चल जाता है, जब स्विच ऑन करेंगे बल्ब नहीं जगेगा तो सर्किट जो होगा वो ओपन होगा, कहीं ना कहीं पे उसकी डिस्कनेक्शन होगी, डिस्कनेक्ट होगा वो। बट जब सारे के सारे कनेक्शन जो कनेक्टेड होंगे और स्विच ऑन करने से बल्ब ग्लो हो जाएगा देन द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस, एलईडी ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी टर्न आएगी आफ्टर 3 या 4 डेज तो हम आपका ये जब चैप्टर खत्म करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर द ऑर्डर ऑफ द स्कूल हम आपका यूनिट 1 एग्जाम जो है वो लेंगे ऑनलाइन पे,
और मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन भी मेरा यू1 एग्जाम आपका ऑनलाइन लेना है, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पर प्रेजेंट रहें, और आपका सिलेबस जो है वो रहेगा फर्स्ट 3 यूनिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, दूसरा है कोल एंड पेट्रोलियम, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मेरा सिलेबस है यू1 का। मल्टीपल चॉइस आइटम होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर में से आ सकते हैं, कीवर्ड में से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन की बना सकते हैं। ये 20 मिनट का होगा आपका, और सभी स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन पर रहेंगे। डेट आपको मैं मेंशन कर दूंगा, जब भी मेरा पेपर लेना होगा मेरी डेट आपको 4 दिन पहले एडवांस आएगी कि किस डेट को आपका साइंस का जो है यू1 होने वाला है ऑनलाइन पर। तो सिलेबस आपका फर्स्ट 3 चैप्टर होंगे। इट इज एनफ टुडे। थैंक यू।